मकर संक्रांति के मौके पर गंगा घाट पर उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, गंगा में लगाई डुबकी, कोरोना पर आस्था दिखा भारी। मकर संक्रांति के महापर्व को लेकर मिनी काशी कहे जाने वाले बक्सर के गंगा घाटों पर पूरे शाहबाद तथा उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य जगहों से आए हुए करीब लाखों श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब का अद्भुत नज़ारा दिख रहा था। कोरोना वायरस पर आस्था भारी पड़ रहा था। अगर मारे तो सनातन धर्म में मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। प्रत्येक वर्ष इस दिन को मकर संक्रांति मनाया जाता है। आज के दिन ही सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करते हुए धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सब शुभ शुभ दिन होता है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन तिल चावल गुड़ ये सब लोग गंगा स्नान करके दान करते हैं और अपने जो ये कर्म है कर्म को और मजबूत करते हैं, पवित्रता की ओर ले जाते हैं। साथ ही आज खरमास समाप्त हो रहा है सूर्य उत्तरायण के बाद, अब शुभ काम में लोग करना शुरू करेंगे और शुभ शुभ दिन आ जाता है। ये आदि काल से चला आ रहा है, ये जो मकर संक्रांति का है ये परंपरा आदि काल से चला आ रहा है, जिसको आज भी हम लोग सनातन धर्म के हिंदू धर्म के लोग हम उसको इसका बहुत बड़ा महत्व मैं मानता हूँ। शुभ शुभ मैं बोला कि मनुष्य के शरीर में ऊर्जा भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बक्सर का ऐतिहासिक जगह है रामराया घाट, लेकिन यहाँ पर अभी तक वैसे ही जैसे पहले था आदमी है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। देखिए नमामि, देखिए बक्सर का रामरेखा घाट, पहले हम लोग बोलते थे कि ऊपर से ठाट बाट नीचे रामरेखा घाट, तो रामरेखा घाट का भगवान राम ने यहाँ अपने धनुष को धोया था तारिका वध के बाद, और धनुष को धो करने के बाद उन्होंने बाबा रामेश्वर नाथ की स्थापना की थी। पहला रामेश्वर नाथ की यहाँ स्थापना हुई और इस स्थापना करने के बाद उन्होंने पंचकोशी यात्रा करते हुए फिर उन्होंने जनकपुर के लिए प्रस्थान किया था। तो आज रामरेखा घाट नमामि गंगे के तहत माननीय केंद्र सरकार के हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने नमामि गंगे का जो स्कीम बनाया और आज वो घाट बन रहा है, जगह जगह घाट बन रहा है और सौंदर्यीकरण हो रहा है। गंगा जल भी स्वच्छ यहाँ तो बक्सर में हमेशा रहा है और आज भी आगे भी रहेगा और विकास तो हो ही रहा है। बक्सर के लिए मेरी शुभकामना है, बक्सर आगे बढ़े, बक्सर तीर्थाटन स्थल की ओर विकसित हो, लोगों का यहाँ आना जाना। देखिए आज गंगा स्नान है, मकर संक्रांति का दिन है, देखिए बाहर से कई दूर दूर से लोग अन्य जगहों से लोग आए हैं गंगा का स्नान करके और अपने जितने मैल शरीर का मैल है, हृदय में मैल है, उसको साफ करके गंगा में, चूँकि गंगा मोक्षदायिनी है, पापदायिनी है, पाप से मुक्त करती है, इसलिए आज शुभ दिन खरमास को लोग अब गंगा में स्नान करके अपने सारे शरीर के विकार को पापों को नष्ट करके और जाते हैं और दही चूड़ा तिलकुट खाते हैं। परशुराम चतुर्वेदी, भारतीय जनता पार्टी का निवर्तमान प्रत्याशी मैं यहाँ। भगवान राम की शिक्षा स्थली तथा ताड़का का वध कर अपने धनुष को रामरेखा घाट पर धोकर स्नान किए थे तथा स्वयं रामेश्वर नाथ की स्थापना भी किए, उसके बाद पंचकोशी यात्रा कर जनकपुर के लिए प्रस्थान किए थे। यहाँ का शाही स्नान का काफ़ी महत्व है। आज के दिन चूड़ा दही तिलकुट खाकर पूरे परिवार के साथ लोग घूमने पहुँचते हैं तथा पतंगबाजी भी करते हैं। शाम के समय खिचड़ी व्यंजन का महत्व माना जाता है। संजीव उपाध्याय, राज रंजन के साथ गुड्डू आजाद की रिपोर्ट, CNB न्यूज़ बक्सर। भगवान जो मकर राशि में प्रोग्रेस करते हैं, आज से शुभ दिन हो गया और ये स्नान होता है शाही स्नान। आज ही के दिन शाही जो जानवर है गंगा माँ में स्नान करके और जिधर जिधर अपना मुंह पृथ्वी में घुमाती है उधर उधर ही अपना घर वो बना लेती है। ये 14 तारीख को स्नान का बहुत काफ़ी महत्व है। आज खरमास समाप्त हो गया, इसका महत्व कितना मतलब माना जाता है? बहुत काफ़ी इसका महत्व है।
जैसे मृत्यु मनाया जाता है, ये मनाया जाता है मकर, जो मकर राशि है, मकर राशि में सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं उसी अवसर पर आज के स्नान का बहुत काफ़ी महत्व है। कितने लोग आते हैं यहाँ पर स्नान? यहाँ पर लाखों लाखों लोग स्नान किए हैं सुबह से अभी तक। ये पौराणिक जगह है यहाँ पर, लेकिन आप आते विकसित नहीं है। ये देखिए तो राजनीति हो गया, विकास होना न होना, जब तक रामरेखा घाट त्रेता युग में इसका मान हुआ, भगवान अपने हाथे तड़का को वध किए, तड़का सुबाहु कुमती मधुदरी जितना है सभी को वध करके और भगवान यहाँ स्नान किए हैं। रामरेखा पांच कोस में घाट मात्र यही एक है जो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। रामरेखा क्यों नाम पड़ा? भगवान यहाँ स्नान करे किए थे रामरेखा पांच कोस में, जहाँ जहाँ भगवान घूमे हैं तड़का को मार करके पंचकर्मा किए हैं, और रेखा हुआ घाट मात्र यही रामरेखा घाट जहाँ हम लोग खड़े हैं। मकर राशि में जब सूर्य भगवान प्रोग्रेस करते हैं, आज ही के दिन 14 तारीख को, इसी को हम कहते हैं शाही स्नान, इसका बहुत काफ़ी महत्व है। उसी उपलक्ष्य में हम लोग मकर संक्रांति स्नान करते हैं। हमारा नाम अमरनाथ पांडे और फुलाला बाबा, गंगा आरती मुख पुजारी, रामरेखा घाट, बक्सर बिहार।